नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईपी के बारे में। आइए जानें एसआईपी के थ्रू हम किस तरीके से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और रिच हो सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट मिस्टर विवेक गुजर। मिस्टर विवेक गुजर 31 ईयर्स तक सेंट्रल एक्साइज को सर्व कर चुके हैं, बट ड्यूरिंग हिज सर्विस डेज उनको क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट था, उन्होंने वाइल वर्किंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में स्टडी किया, नॉलेज इकट्ठा की, खुद भी इन्वेस्ट किया और पैसे बनाए। और उसके बाद 31 ईयर्स के बाद जब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर के फाइनेंशियल एंड वेल्थ मैनेजमेंट क्रिएशन शुरू किया। आज की डेट में वो सेबी के साथ एक रजिस्टर्ड सिक्योरिटी इन्वेस्टर हैं और इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। आइए मिलते हैं और बात करते हैं एसआईपी के बारे में। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। एसआईपी होता क्या है? सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं मेरा नॉलेज शेयर करूं। तो अभी जैसा आपका क्वेश्चन है कि एसआईपी होता क्या है, तो एसआईपी नॉर्मली टर्म यूज किया जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका पूरा मतलब है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हम एक सिस्टम फॉलो करें और इसके जरिए अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक जो आम आदमी है उसके पास बड़ी पूंजी नहीं रहती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई सैलरीड इनकम के है, कोई रेगुलर इनकम है, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है कि एक साथ हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो एसआईपी का मतलब यह है कि हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते रहे, और ये म्यूचुअल फंड के रूट से किया जाता है। और म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आम लोगों से, छोटे रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेके इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे आसानी हो जाती है जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, और उनको बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो जिनके पास ज्यादा पूंजी नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी रकम, जैसे महीने में 500 रुपये से स्टार्ट करके आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका ये पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट हो सकता है ताकि आपको रिस्क डिवाइडेड हो और एक सिस्टम फॉलो किया जाए। तो ये एक वेल्थ क्रिएट करने का तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। किसी को इन्वेस्ट करना है थ्रू इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपी, तो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए कि पहले तो केवाईसी करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब नो योर कस्टमर की फॉर्मेलिटीज रहती है कि जो सेबी और एमफी से रेगुलेटेड होते हैं। तो आपको इसके लिए पहले पैन कार्ड होना चाहिए, फिर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कोई जो सर्टिफाइड प्लानर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेलिटीज है आपकी केवाईसी करने की वो पूरी कर देंगे, और इसके बाद आप जितने भी म्यूचुअल फंड इंडिया में रजिस्टर्ड है उनमें कोई भी म्यूचुअल फंड में आप एक स्कीम लेके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के स्कीम्स रहते हैं म्यूचुअल फंड के। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना रहता है। दिन पहले वेल्थ की बात की थी, वेल्थ यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। तो ये जानना चाहूंगी कि एसआईपी के थ्रू क्या आपको रियली गुड अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जो मिडिल क्लास है और जिनको लगता है कि हम कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकेंगे, हमारी सेविंग नहीं होती है, और वेल्थ क्रिएट करने के पहले हमारे पास खुद के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो इसमें क्या है कि एसआईपी के रूट के थ्रू आप जाते हो तो मिनिमम से मिनिमम आप फंड्स हर महीने इन्वेस्ट करके आप ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और एसआईपी से क्या होता है कि आपको एक डिसिप्लिन आ जाता है, जैसे कोई रेगुलर सैलरी इनकम है जिसकी, वो उसको एक मौका दिया जाता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने में आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय को क्या होता है, उसको कितनी सैलरी आने वाली है एट द एंड ऑफ मंथ उसे पता रहता है,
तो ये प्लान कर सकता है कि सपोज किसी की सैलरी 50,000 पर मंथ है और उसको मालूम है कि मेरे खर्चा जो है महीने का वो 40,000 तक होता है, तो ही कैन वेरी वेल प्लान कि वो 10,000 सेव करके उसको इन्वेस्ट कर सकता है और SIP के रूट की थ्रू उसे एक लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू में करने की जरूरत नहीं है। आप 500 पर मंथ से भी SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा कि 1995 में एक रिलायंस म्यूचुअल फंड की स्कीम स्टार्ट हुई थी रिलायंस ग्रोथ फंड करके, आज के डेट में उसको निपॉन ग्रोथ फंड करके जाना जाता है। उस स्कीम में अगर किसी ने 1,000 रुपीज पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती इन 1995 और आज तक वो सिर्फ 1,000 रुपीज की ही SIP अभी तक शुरू है उसमें, तो इस स्कीम को हो गए 28 ईयर्स, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स हो गए हैं और इसमें जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1,000 पर मंथ के हिसाब से वो लगभग 3,25,000 है आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये 28 ईयर्स में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आज की डेट में इसकी वैल्यू है 1,30,00,000 रुपीज, ये सिर्फ 1,000 रुपीज पर मंथ की SIP करने के बाद है। अभी कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है, हमेशा पैसा डूबता ही रहता है और हमको तो नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का तो हम तो इससे दूर रहेंगे, तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि जिसमें आप सिर्फ 1,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आपके पास 1,30,00,000 रुपीज आज के डेट में है, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। और स्टॉक मार्केट में जो रिस्क है ये आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू रखते हो और कंटिन्यू रखते हो आपके रिस्क उतनी ही नेगेटिव हो जाती है या कम से कम हो जाती है। इसमें गारंटी नहीं है कोई इनकम की, लेकिन आप जितना समय आप डिवोट करते हो इसमें सिस्टम में, इसके लिए इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है कि आप सिस्टम फॉलो करके इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू रखो तो आपको इसमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मामूली इन्वेस्टर है जिसको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करके अपने आप को अमीर बना सकता है। आइंस्टाइन ने बोला था कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड आपको अगर अपने वेल्थ क्रिएशन में लगाना है तो आपको खुद डिसिप्लिन होके SIP स्टार्ट करनी है। आज की डेट में लोग घबराते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि रीजन है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग भी हैं जो आपको बताते हैं ये स्कीम्स, और उसके बाद आपको वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो इन दैट केस, अगर एक लेमैन है जिसने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखता है, उनको उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक राइट सोर्स से इन्वेस्ट करे और उसका पैसा जो है वो राइट तरीके से जाए और उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मिल सके? हर जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है इसको एम्फी के पास रजिस्टर होना पड़ता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर होना पड़ता है और ये रजिस्टर होने के लिए उनको एग्जाम देनी पड़ती है, म्यूचुअल फंड का पूरा नॉलेज होना चाहिए पड़ता है और ये एग्जाम पास होने के बाद ही उसको ARN नंबर दिया जाता है। तो आप अगर किसी को नहीं जानते हैं और किसी के पास गए हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई आपका ARN नंबर क्या है और आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो जैसा हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं कि उसकी डिग्री देख लेते हैं और उसका तजुर्बा क्या है, हम बाहर से पूछ लेते हैं अपने सेफ्टी के लिए, आप ये तरीका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आप अपना सकते हैं ताकि आपका जो पैसा है या जो निवेश है वो सेफ हैंड्स में इन्वेस्ट हो। और दूसरा ये है कि अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्कीम बताता है तो आज के डेट में क्या है कि पास्ट परफॉर्मेंस आप म्यूचुअल फंड की स्कीम की कोई भी देख सकते हैं, तो अगर कोई कहता है कि ये आप स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको पूरा हक है कि आप 5 इयर्स 10 इयर्स की उसकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस देखें और बाद में ही उसके स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़े जो आम आदमी के जो फ्रॉड होते हैं या डर होता है ये पास्ट परफॉर्मेंस बिना देखे और जो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या उनको जो कह रहा है कि हमारे पास इन्वेस्ट करो उसकी पूरी जानकारी न रखते हुए जो किया जाता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप ये अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हैंड्स में है और आपको वेल्थ क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम विद अस और इतने अच्छे से बताने के लिए SIP के बारे में। तो
दोस्तों हम इसी तरीके से नए टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, नए लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।